तो स्वागत है आज के हमारे एक और न्यू वीडियो में। आप लोग अगला वीडियो में देखे थे कि हम लोग हॉस्पिटल से आए थे, उसके बाद फिर हम लोग गए थे टीपू सुल्तान का गार्डन घूमने के लिए, और वो भी बहुत अच्छा था। वहाँ पे मंदिर वंदिर भी था, वो लोग आप लोग तो देखे ही होंगे। उसके बाद फिर हम लोग को के पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो हम लोग पास दो ऑप्शन था। वहाँ से अगर हम लोग नज़दीक में माने तो हम लोग वही तिरुपति बालाजी का टेम्पल था, और एक तरफ था एक मरीन ब्रिज। तो हम लोग ज़्यादा हम लोग सोचे उचे, उसके बाद फिर और दो तीन वहाँ पे मिल गए थे रांची के लोग, तो फिर हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग तिरुपति बालाजी जाएंगे। उसके बाद 2 बजे हम लोग निकल चुके थे रूम से, उसके बाद फिर हम लोग बहुत ज़्यादा अंधेरा था, फिर हम लोग सो गए। उसके बाद फाइनली जहाँ पे चेक इन होता है पूरा गाड़ी उड़ी और बाकी हम लोग का भी स्कैनिंग उस्कैनिंग हुआ क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से। उसके बाद फिर जितना बोतल वगैरह था सब कुछ वहाँ पे रख लिया था। उसके बाद फिर यहाँ से दिख रहा था पहाड़ पे ऊपर तिरुपति का मंदिर। उसके बाद फिर हम लोग सब कुछ चेक इन उकिन करवा चुके थे, लेकिन हम लोग का गाड़ी आया हुआ नहीं था, गाड़ी पीछे था, गाड़ी चेक बुक करवा रहा था, उसी का इंतज़ार कर रहे थे। तब तक फिर हम लोग यहाँ पर फ़ोटो वोटो लेने लगे और अगल बगल में देखने लगे। व्यू व्यू जो था ना, मतलब अलग लेवल का व्यू था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और जो पहाड़ पे जो मंदिर जो चमक रहा था, मतलब अलग लेवल का चमक रहा था। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार करते करते उसके बाद फाइनली हम लोग का गाड़ी आ गया था। गाड़ी पे हम लोग बैठे, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर बाहर में किसी का वेट कर रहा था। एक तो और उसका एजेंसी से एक तो और ड्राइवर आया था, उसी का वेट कर रहा था कि वो आएगा तो साथ में चलेंगे। और बहुत ज़्यादा हम लोग को वेट कर रहे थे, हम लोग को भी ख़राब लग रहा था कि जल्दी चले यहाँ से, जल्दी चले, लेकिन सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बस थोड़ा से थोड़ा 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 ऐसे कर करके मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग का टाइम पास करवाया। उसके बाद फिर हम लोग उसको बोले कि भाई चलो चलो। उसके बाद फिर गाड़ी में बैठा भी, उसके बाद यहाँ से निकला। उसके बाद फिर जो यहाँ पर मतलब चेकिंग के बाद से जो मतलब व्यू जो आया ना, मतलब अगल बगल का, मतलब अलग लेवल का, जो आप देख सकते हैं कितना हरा भरा है, इतना हरा भरा है, मतलब लग रहा था स्वर्ग जा रहे हैं। मतलब बिलीव नहीं कीजिएगा कि मतलब मेरा उतना फ़ोन अच्छा नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, हम बता नहीं सकते कि कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन आप लोग मतलब एक बार वहाँ पे गए होंगे या फिर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे जाने में जो जो सुकून है ना, वहाँ पे जहाँ पे चेक इन हो जाता है उसके बाद से मंदिर तक का सफ़र वहाँ पे है 12-15 किलोमीटर का सफ़र, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब पहाड़ पे है चढ़ने जाना पड़ता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आपको हल्का सा फील होगा कि हम लगता है शिमला मनाली में हैं, ऐसे हम शिमला मनाली गए नहीं हैं, लेकिन मतलब बता रहे हैं कि वैसा ही आपको फील वहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर हम लोग हल्का से यहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा मोड़ा इधर उधर कोई टहलता वहलता है, उसके बाद फिर से हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर हम लोग का गाड़ी ऊपर की ओर जाने लगता है। उसके बाद सडनली यहाँ पे अगल बगल में इतने सारे बंदर नज़र आते हैं और ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो बोल देता है कि गेट वेट लगा लीजिए, बंदर उंदर जंप कर जाता है। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग नज़ारा को मज़ा लेते लेते आगे निकले। आगे जाते ही थोड़ा सा ऊपर गया, उसका इतना ज़्यादा फॉग आ गया था, और मतलब अलग लेवल का फॉग था। नीचे जितना ही हम लोग को गर्मी लग रहा था, ऊपर इतना ही ठंडा लग रहा था। एसी उसी हम लोग बंद किए। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद हम लोग एक तो और गेट के पास पहुँचे, और हम लोग आप मान सकते हैं कि अब हम लोग तिरुपति में एंटर कर चुके थे, तिरुपति में यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग का यही सब डिसीजन चल रहा था कि मंदिर जाना है कि नहीं जाना है, कि बाहर से ही पूजा करके आ जाना है, दर्शन करना है कि नहीं करना है। फिर और हम लोग का मन में था कि हम लोग जो बात किए थे मकान मालिक से, वो बोला था 20 घंटा लगेगा, 24 घंटा लगेगा, वीकेंड है, तो थोड़ा सा और भी हम लोग को लग रहा था कि नहीं जाएं वही ठीक है। और मेरा मन में तो ख़ास करके था कि इतना घंटा हम नहीं दे सकते हैं, हमको और ज़्यादा ख़राब लग रहा था। और इसीलिए मतलब चार कोई हम लोग थे 4 जन, लेकिन 4 जन में सबसे नेगेटिव इंसान हम ही थे, क्योंकि हम ही बार बार बोल रहे थे कि नहीं जाएँ नहीं जाएँ। उसके बाद फाइनली हम लोग वहाँ पर उतरे, गाड़ी उड़ी लगाए, पार्किंग वार्किंग किए, उसके बाद फिर हम लोग मंदिर का दर्शन हुआ। आप देख सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पर जाके, लेकिन मतलब हमको नहीं अच्छा लग रहा था उतना, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था और इतना ज़्यादा हमको मतलब खाली पैर में खिचखिच लग रहा था। हो सकता है हम गलत हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमको जो लग रहा था वो हम बता रहे हैं। हमको बहुत ज़्यादा किचकिच टाइप का लग रहा था वहाँ पे कुछ कुछ जगह। उसके बाद फिर जहाँ सूखा हुआ मिला वहाँ पे हमको अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा स्लिप स्लिप कर रहा था ज़मीन। उसके बाद फिर मंदिर वंदिर चारों बगल घूमे वूमे, और यहाँ तक मतलब हम पूरा वो लोग को डीमोटिवेट किए हुए थे कि अंदर ना जाएँ हम लोग, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। ये जो देख रहे हैं भैया, ये तो पूरा मतलब बोल रहे थे चलो चलो, सब सबसे ज़्यादा इन्हीं का हाथ था जाने में, क्योंकि यही हम लोग को बोल रहे थे कि चलने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ वहाँ घूमे हुए, उसके बाद फिर
हम लोग मेन दिक्कत था कि हम लोग ढूंढ रहे थे कि नहाने वाला और बाथरूम वगैरह किधर है, क्योंकि मंदिर उन्दिर घूम लिए तो कुछ फ्रेश व्रेश हो जाते तब थोड़ा सा पूजा वूजा कर लेते, लेकिन हम लोग को कहीं मिल नहीं रहा था क्योंकि इतना बड़ा कैंपस था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और ऊपर से आधा आदमी कंफ्यूज में कि जाएँ कि नहीं जाएँ, और जाएँगे तो 20 घंटा लगेगा, 20 घंटा बिना फ़ोन का रहना पड़ेगा, फ़ोन भी वहाँ पर जमा ले जाता है। तो बहुत तरह का मतलब हम लोग के पास क्वेश्चन था लेकिन उसका आंसर मेरे हम लोग पास नहीं था। फिर ऐसा ही करते करते हम लोग सोचते विचारते फोटो वोटो खिंचवाते, वो तो खिंचवाते वो तो खिंचवाएँ उचवाएँ। उसके बाद फिर ये लोग बोले ठीक है अब लोग जो करना होगा कीजिएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, इसके बाद घूमते घूमते हम लोग फिर इधर आ गए, दूसरे साइड में आ गए। उसके बाद फिर हम नहा लिए यहीं पे, बगल में नल था वहाँ पे हम नहा लिए। उसके बाद फिर ये लोग जो दो वो थे उसमें इन लोग का एक का चुल था कि हम जो वहाँ पे बना हुआ है तालाब उसमें नहाएं, तो उनके लिए हम लोग फिर वहाँ पे तालाब में गए, फिर वहाँ पे वो नहाएं। और देखिए ये है वहाँ का तालाब, इसी में सब नहा हुआ के जाता है अगर किसी का मन हो तो। बहुत ज़्यादा भीड़ था, इतना भीड़ में नहाना तो ज़्यादा सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि हमको पता नहीं अच्छा लग रहा था और इतना मतलब स्लिप कर रहा था सीढ़ी उढ़ी की, उसमें उस लोगों का गलती नहीं है, बस ये थे जो ये रांची वाले वो नहाए वहाँ। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले, फिर वहाँ पे एक बगल में मंदिर था वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे दर्शन उर्शन करने के बाद कुछ देर के बाद हम लोग जो मेन लाइन था वहाँ पे हम लोग लाइन में लग चुके हैं, और ये देखिए हम और जीजा जी पीछे हैं। उसके बाद फिर हम लोग शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा एनर्जी था तो हम लोग बहुत ज़्यादा मज़ा लग रहा था शुरू शुरू में। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गया वैसे वैसे हम लोग हालत ख़राब होते गया, लेकिन उतना भी नहीं ख़राब हुआ था, कुछ देर चले उसके बाद फिर अच्छा लगने लगा क्योंकि भीड़ था और 4-5 तो हम लोग थे तो ज़्यादा उतना ख़राब नहीं लग रहा था, लेकिन बस लग रहा था कि फ़ोन अब ले लेगा अब ले लेगा, बस इसी का डर था कि फ़ोन ना ले ले, क्योंकि 20 घंटा अगर हम लोग को लाइन में लगना है तो फ़ोन तो रहना चाहिए ना। उसके बाद फिर यहाँ पर रुक गए, आप देख सकते हैं सब कोई रुका हुआ है, मतलब ऐसा ही करता है ये लोग कि कुछ देर चलवाया आधा घंटा चलवाया उसके बाद फिर रोक दिया गेट लगा देता, उसके बाद आधा यहीं पे रुक गया, उसके बाद फिर जो उसके आगे वो लोग आगे गया, तो ऐसा ही कर करके मतलब टुकड़ा बाय टुकड़ा ये लोग ऐसा ही वहाँ पे पहुँचाता है मंदिर के पास। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बाकी देख सकते हैं लड़का लड़की बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा उच्चा सबको यहीं पर है। और ये जो बगल बगल में जो जाली दिया हुआ है इसी से कुछ भी आपको मैंगो जूस वगैरह फ्रूटी वूटी लेना हो तो ले सकते हैं, और लेकिन इतना ज़्यादा महंगा है, जो 10 रुपया का फ्रूटी होता है वहाँ पे 25 रुपया बिक रहा था 20 रुपया बिक रहा था, मतलब डबल। और बीच बीच में गेट भी रहता है, अगर आपको वहाँ से निकलना है आपको नहीं जाना है आगे ज़्यादा परेशान है तो आपको निकाल देगा गेट से, लेकिन हम तो नहीं देखे मतलब जो भी एक बार लगा लाइन तो वो तो दर्शन किया ही जितना जिस टाइम हम थे उस टाइम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग टाइप का लगने लगता है, मतलब इतना इंतज़ार कर रहे हैं खोल नहीं रहा है, आधा घंटा रोक दिया था यहाँ पे, आधा घंटा पहले 1 घंटा रोका था यहाँ पे। उसके बाद फिर कुछ देर इंतज़ार करते करते बाद कुछ हम लोग खाना पीना खाए हुए हैं इधर उधर देखें एक से अच्छा था, फिर खुला फिर कुछ देर चलें। उसके बाद फिर इतना 12 बज चुका था, उसके बाद फिर हम लोग का एक रूम में यहाँ पर हम लोग को पैक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को खाना दिया उपमा दिया खाने के लिए और पानी वानी का व्यवस्था था, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे हम लोग जो झेलाएँ हैं ना मतलब 12 बजे हम लोग को यहाँ पे लाए मतलब अंदर घुसवाया है, और यहाँ से हमको लगता है कि कम से कम 4 घंटा तो रखा है यहाँ से। हम लोग हमको याद है कि 3:30 बजे हम लोग यहाँ से फिर हम लोग निकले, मतलब सब को बच्चा उच्चा सब बेहाल है, मतलब 10 का पॉपकॉर्न 20 में मिल रहा है 30 का मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लेना भी चाहिए लेकिन इतना भी नहीं लेना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग इंतज़ार करते ही रहते हैं कि अब खुलेगा गेट लेकिन नहीं खुलता, लेकिन फाइनली फिर खुल जाता है। फिर हम लोग जल्दी जल्दी दौड़ने लगते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो फिर चलने लगते हैं, देखिए सबको दौड़ भी रहा है और हम लोग आराम से चल रहे थे क्योंकि अब आ ही गए हैं तो दर्शन तो करना ही है, आज करें या फिर कल करें 24 घंटा में करें या फिर 20 घंटा में करें, बस हम लोग आराम से जा रहे थे, बाकी सब कोई दौड़ते हुए जा रहा था कि जल्दी जल्दी जाएं क्योंकि आगे जो है ना आगे गेट फिर से लग जाता तो फिर आपको 10-15 मिनट आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता, तो इसीलिए सबको जितना जल्दी हो सके उतना जाने का कोशिश करता था। हम दौड़ना हम लोग को भी चाहिए लेकिन
क्या दौड़े या झूठ मूठ का गिर जाएं, गए हैं आराम से तो श्रद्धा के साथ जाएं। ऐसे मेरा दिल में तो श्रद्धा नहीं था, हमको पता है, लेकिन क्या करें, फिर भी उतना भी नहीं थे हम। उसके बाद फिर जाते जाते आराम से हम तो ना बिंदास जा रहे थे, उतना कोई लोड लेके नहीं चल रहे थे। बस बस हमको टेंशन था कि फ़ोन ना ले ले, क्योंकि फ़ोन ले लेगा उसके बाद फिर जो रहने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ़ोन रहता था तो हल्का फुल्का इधर कॉल कर लिए या फिर किसी से बात कर लिए या फिर किसी के मैसेज देख लिए या फिर कुछ भी, मतलब अच्छा लगता था फ़ोन रहता है तो वो एक गलत बात है। उसके बाद फिर वहाँ पे गेट लग गया, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए कुछ देर। ये देखिए बगल बगल में बैठने वाला सीढ़ी टाइप का बना हुआ है और बाकी जाली टाइप का लगा हुआ है, मतलब आपको फील होगा कि आप जेल में हैं और आप बस वही फील होगा आपको कि आप जेल में ही हैं। उसके बाद ऐसा ही रहें, उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं। तो देखें हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, वहाँ पे हम लोग को एक जो बड़ा सा हॉल में रखा था वहाँ पे 3:30 बजे वहाँ से निकाला। उसके बाद फिर हम लोग धीरे 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 जाते जाते, उसके आगे वीडियो इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि वहीं तक हम लोग का फ़ोन था। उसके बाद फिर फ़ोन हम लोग का जमा हो गया, सब वहाँ पे लिख के देना पड़ता है, बैग वगैरह बैग वग सब कुछ वहाँ पे जमा ले लेता है। आपके पास सिर्फ आपका पैसा रहेगा और ATM रहेगा और कुछ नहीं, बाकी जो भी कॉइन ट्वाइन रहेगा सब कुछ जमा ले लेता है, बैग टैग और जो भी हम लोग का था फ़ोन वगैरह सब कुछ वहाँ पे जमा लेता है। इसलिए उसके आगे का वीडियो दिखा नहीं पाए, उसके आगे हम कहानी बताते हैं। उसके बाद वहाँ पे हम लोग निकले 3:30 बजे, हम लोग फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा हो गया, हम लोग पास कुछ नहीं बचा। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे जाते जाते, उसके बाद फिर हम लोग का 6:30 बजे हम लोग का एक फिर से एक और कमरा में वहाँ पे घुसवाया। हमको लगा वहाँ पे रुकाएगा आधा घंटा 2 घंटा रुकवाएगा ज़्यादा ज़्यादा। उसके बाद वहाँ पे जो झड़िया स्टार्ट हुआ है ना, वहीं पे सबसे ज़्यादा हुआ है क्योंकि हम लोग पास फ़ोन नहीं था, एक टीवी लगा हुआ था वहाँ पे तिरुपति बालाजी का वीडियो चल रहा था और वहाँ पे जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है तमिल या फिर शायद दूसरा भाषा में बोल रहा हूँ, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आप किसी से बात भी नहीं कर पाते थे। जो जो हिंदी वाले क्षेत्र से गए थे उधर से आप बात कर सकते हैं, बाकी जो अगर जो है उससे तो आप बात कर नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे खिचड़ी हम लोग को दिया गया और खिचड़ी देने के लिए इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना मारा पीटी चल रहा था कि मतलब आपको बता नहीं सकते कैसे खिचड़ी लिए हैं हम जानते हैं, क्योंकि जो भी चालकों को थे हम ही वहाँ से खिचड़ी ला रहे थे, सबको हम दे रहे थे, कैसे दे रहे थे वो हमको ही पता है। कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा, मतलब किचाहीन हो गया था, खिचड़ी गिर गिर के पैर उस पर लग रहा था तो और ज़्यादा खराब लग रहा था, लेकिन अब भक्ति है तो सकती है। उसके बाद फिर वहाँ पे ऐसा करते करते 10:30 बज गया। उसके बाद हम लोग को लगा कि आज नहीं अब होगा दर्शन, अब सुबह होगा दर्शन। उसके बाद हम लोग सो गए, अचानक से 12:30 बजे एक पूरा कस के सीटी बजता है कि उठो 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 उठो। उसके बाद फिर हम लोग 12:30 बजे उठते हैं और सडनली वहाँ पर पूरा बारिश होने लगता है, वहाँ से फिर हम लोग को निकालता है दूसरे रूम से और हमको लगता है कि लगता है दूसरा रूम में घुस जाएगा। ऐसा ही करते 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 देखते हैं कि मंदिर के पास हम लोग को ले जाता है। उसके बाद फिर हम लोग इतना भीड़ था मतलब बता नहीं सकते, ऊपर से पानी गिर रहा है, अंदर गए ऊपर से भूख लगा हुआ है, ऊपर से फ़ोन नहीं है, अंदर गए पूरा भीड़ में कैसे करके मंदिर अंदर गए, तिरुपति जी का बालाजी का दर्शन किए वहाँ पे। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा सुकून मिला वहाँ पे दर्शन किए, हमको लगता है 12:30 बजे हम लोग दर्शन वहाँ से किए। उसके बाद फिर मंदिर से वहाँ से निकले, उसके बाद फिर सबसे पहला काम था कि वहाँ से फिर हम लोग चले गए प्रसाद देने के लिए, क्योंकि हम लोग को सुबह प्रसाद दिया नहीं था तो रात में गए 1 बजे रात में हम लोग 1 बजे हाँ 1 बजे आओ। उसके बाद हम लोग प्रसाद लिए, उसके बाद सबसे पहला काम फ़ोन लेना, क्योंकि फ़ोन लेंगे तभी हम कार वाला को बुलाएंगे और फ़ोन जरूरी था। उसके बाद फिर फ़ोन लेते हैं जहाँ पर हम लोग जमा किए थे वहाँ से फ़ोन लिए, उसके बाद फ़ोन ऑन किए, उसके बाद गाड़ी वाला को फ़ोन किए, गाड़ी आ गया हम लोग पास 2 बजे। उसके बाद फिर हम लोग आराम से गाड़ी में बैठे, उसके बाद हम लोग लॉज हम लोग पहुँचे, हमको लगता है कि भाई 4-5 बजे पहुँचे, उसको आराम से सोए। तो उसके बाद फिर यही रहा, मतलब हम बता सकते हैं कि अगर आप भिलौर गए हैं तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जाइए तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, 350 रुपये होता है उनका साइड में जाके, तिरुपति बालाजी का साइड में जाके, वहाँ से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको जो 18 घंटा 20 घंटा आपको जो लाइन में मतलब लगना पड़ेगा उससे बढ़िया है कि आप 3 घंटा 2 घंटा में आराम से भगवान का दर्शन करके आराम से आ सकते हैं अपना, और अगल बगल घूम सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास उतना भक्ति में शक्ति है तो आप जाइए, 20 घंटा लाइन लगिए। वीकेंड में आपको इतना है कि 18 से 20 घंटा आपको लाइन लगना ही पड़ेगा, अगर आप कम लगे 14-15 घंटा तो अलग बात है, क्योंकि हम लोग 9:30 बजे लाइन लगे थे और हम लोग दर्शन किए हैं 12:30 बजे, तो आप सोच सकते हैं कितना घंटा लगा। और किस्मत अच्छा था हम लोग का कि उस दिन उतना भीड़ नहीं था, वो लोग जैसा बोल रहा था अगल बगल का। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेलो जाते हैं तो चले जाइए वहाँ पे तिरुपति बालाजी के पास, बुला रहे हैं।